चलो फर्स्ट क्वेश्चन की बात। जस्ट मिनट, लाइफ के लिए शरण यात्रा। हाँ, डायजेशन इज काय असणार? डायजेशन कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सबस्टेंस इनटू टू सिंपल ऍब्सॉर्बेबल फॉर्म। एवढे इजी क्वेश्चन येत नाही नीटला। येस, अ बेबी बॉय एज 2 इयर्स इज ऍडमिटेड टू प्ले स्कूल अँड पासेस थ्रू अ डेंटल चेकअप। द डेंटिस्ट ऑब्झर्व दॅट द बॉय हॅड 20 टीथ, विच टीथ वेअर ऍबसेंट? कोणते टीथ ऍबसेंट असतील? सर कैनाइंस। है उसके पास तो कौन से एब्सेंट होंगे? मोलर, मोलर्स, डीडी। क्या हुआ था? मोलर्स एब्सेंट होंगे या प्री मोलर्स भी एब्सेंट होंगे उसके साथ? सर मोलर्स होने चाहिए ना, प्री मोलर्स तो मोलर से पहले आते हैं। जस्ट अ मिनट, थोड़ा कनेक्शन का प्रॉब्लम बन रहा है। जस्ट मिनट, थोड़ा कनेक्शन का इश्यू आ रहा है। जस्ट मिनट। ओके चलो एक मिनट, थोड़ा सा इश्यू होता है नेटवर्क सा, चार्जिंग होत नव्हती, चार्जिंग लागली आता। चलो क्वेश्चन काय आपला, अ बेबी बॉय एज 2 इयर्स इज ऍडमिटेड टू द प्ले स्कूल अँड पासेस थ्रू द डेंटल चेकअप। द डेंटिस्ट ऑब्झर्व दॅट द बॉय हॅड 20 टीथ, विच टीथ वेअर ऍबसेंट? आता इन्सिजर तर प्रेझेंट असतात रे, कॅनाइन पण प्रेझेंट असतात। आता बघा, जे 2 इयर्सच्या चाइल्ड मध्ये जे प्रेझेंट असतील ना टीथ, हा मोलर तर फार एंडला येतात ना रे। हॅलो क्षितिजा, मोलर टीथ कब आते? बाद में आते हैं, लेट आते हैं ना, परमानेंट डायरेक्ट परमानेंट टीथ रहते हैं सर ये। हाँ लेकिन वो बाद में आएंगे ना, मोलर टीथ तो 2 इयर्स में नहीं डेवलप होते हैं, ये बाद में आएंगे, तो ये हो गए ही नहीं ना, मोलर तो होंगे ही नहीं। लेकिन अगर इन तीनों में हम कंसिडर करेंगे तो कौन सा होगा, कौन सा एबसेंट होगा इन तीनों में से? मोलर तो बाद में आते हैं, 2 ईयर के चार्ट में तो मोलर रहते ही नहीं है। फिर उसके साथ में ये भी नहीं होते ना, प्री मोलर्स भी नहीं होते, ये प्री मोलर और मोलर दोनों भी नहीं रहेंगे। लेकिन मोलर तो बाद में आते हैं, लेकिन अगर 2 इयर्स के बच्चे में हम देखेंगे तो कौन से टीथ जो होंगे वो एब्सेंट होंगे, दैट विल बी द प्री मोलर। रहते कितने टीथ है टोटल? टोटल टीथ कितने होते हैं? 32।
32 होते हैं, तो यानी 12 20 ही प्रेजेंट है, 20 प्रेजेंट है, यानी कितने प्रेजेंट है, कितने एब्सेंट है, 12 एब्सेंट है, 12 एब्सेंट है, ठीक है ना, टोटल आया समझ में। तो इसमें प्री मोलर ये आंसर होना चाहिए उसका, बाद में अभी जब ये मोलर जो होता नहीं, बाद में अराउंड 12 इयर्स के आसपास जब बच्चा हो जाता है ना, तब आता है मोलर। मोलर टीथ कब बनता है, जब विजडम टीथ चले जाएंगे फिर उसके बाद में मोलर, ये सॉरी विजडम टीथ जब बनते हैं उसे हम मोलर टीथ जैसे वो बनते हैं, ठीक है ना, शानपना अक्कल दाड़ बनते ना बंदेला मराठी मध्ये। ओके नेक्स्ट इज प्राइमरी डेंटिशन इन ह्यूमन differs from permanent dentition in not having one of the following type of teeth. अभी इसमें वो आंसर निकल जाएगा। Permanent dentition में कौन सा टीथ होता है जो इसमें नहीं होगा? Primary dentition in human differs from permanent dentition in not having one of the following type of teeth. Molars. Primary dentition. Primary dentition in human differs from the permanent dentition. Not having one of the following type of teeth. Molars, ना सर। अभी तो हमने देखा ना क्या नहीं होगा primary dentition. Premolars. अभी तो बोला ना मैंने। मोलर तो कब, ये मोलर कब आएंगे, वो बाद में आते हैं ना, डेवलपमेंट तो उनकी बाद में होती है। ये देखो ये बताओ, ग्लॉटिस, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग इन द फ्लोर ऑफ डायाफ्राम, नहीं बी है सर, बकल फ्रेंडल कैविटी, उसके बाद वो इपिग्लॉटिस आता है फिर उसके अंदर जाता है ना डायाफ्राम के अंदर। आंसर क्या है बताओ? बी बी, एक बोलिए एक बोलिए, चलो बाकी से सांगा पटकन आंसर, चलो मारो 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 मारो। हेलो डायाफ्राम बी बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अ पार्ट ऑफ टंग दैट गिव्स फीलिंग ऑफ स्वीटनेस इज, कौन सा पार्ट देता है मालूम क्या फीलिंग ऑफ, कौन सा क्वेश्चन है सर वाला, ये वाला 60, कोई भी टंग होती है ना तो उस टंग में, उस टंग में टिप 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 वाला, ये वाला जो होता है ये फीलिंग देता है स्वीटनेस की, ठीक है, और ये लास्ट वाला पार्ट जो होता है यहाँ पे ये कड़वाहट की टेस्ट देती है, यानी बिटरनेस का टेस्ट देता है ये वाला, और ये वाला पार्ट इधर वाला सारनेस की टेस्ट देता है, ठीक है, ये सारनेस की टेस्ट देता है। नेक्स्ट इज गैस्ट्रिक एसिड इज सिक्रेटेड बाय, 19 In stomach, gastric acid is secreted by. Sir, be peptic cells. Peptic cells. Acidic cells तो है नहीं. स्टमक मध्ये कोणत्या सेल असतात ज्या ये रिलीज करतात सर? ए नाही, गॅस्ट्रिन तो एन्झाइम आहे ना, सॉरी गॅस्ट्रिन हा तर हाय गॅस्ट्रिन सेक्रेटिंग सेल्स, गॅस्ट्रिन ये तो एन्झाइम नाही आहे ना, वो हार्मोन जैसा ऍक्ट करता है गॅस्ट्रिन, म्हणून हे तर आंसर असतं गॅस्ट्रिक ऍसिड, ऍसिडिक सेल्स तर है नहीं, ऍसिडिक सेल्स है नहीं, है नहीं, हाँ पेप्टिक सेल्स ए, पैराइटल सेल्स इन द स्टमक, पैराइटल सेल्स इन द स्टमक, नो पैराइटल सेल्स स्टमक मध्ये जे डायजेशन मध्ये हेल्प करतात बाय द रिलीज ऑफ द गॅस्ट्रिक ऍसिड, गॅस्ट्रिक ऍसिडचा रिलीज त्या सेल करतात पैराइटल सेल। आणि पेप्टिक सेल जे होते ना इने हम चीफ सेल बोलते ना, पेप्टिक सेल आर नॉट द आर नॉट प्रेझेंट इन द गॅस्ट्रिक चीफ सेल, म्हणजे गॅस्ट्रिक मध्ये प्रेझेंट असतात ते, गॅस्ट्रिक म्हणजे काय, गॅस्ट्रिक ग्लँड जे असतात ते गॅस्ट्रिक ग्लँड काय करतात, गॅस्ट्रिक ज्यूस सिक्रेट करतात, माहिती तुम्हाला, गॅस्ट्रिक ग्लँड गॅस्ट्रिक ज्यूस सिक्रेट करतात, या गॅस्ट्रिक ग्लँड मध्ये दोन प्रकारच्या सेल असतात, एक असतात पराइटल सेल आणि दुसरे असतात पेप्टिक सेल,
पेप्टिक सेलला आपण चीफ सेल असं पण म्हणतो. पेप्टिक सेलला आणखी एक नाव आहे, काय म्हणतो पेप्टिक सेलला? चीफ सेल असं पण म्हणतो. आणि ज्या पराइटल सेल असतात, या पराइटल सेल ऍक्च्युअल मध्ये गॅस्ट्रिक ऍसिड रिलीज करतात. ओके, आणि हे जे पेप्टिक सेल असतात, पेप्टिक सेल आर रिलीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ एन्झाइम पेप्सिनोजेन. यासारख्या एन्झाइमच्या रिलीज साठी रिस्पॉन्सिबल असतात. तो गैस्ट्रिक एसिड जो होता है, गैस्ट्रिक एसिड के साथ में, हेलो हर्षल चार्ट तुझे दिसता है ना मला? हे बघ, ज्या इथे दोन टाइपच्या सेल असतात स्टमकच्या गॅस्ट्रिक ग्लँड मध्ये, दोन प्रकारच्या सेल असतात. एक असतात पराइटल सेल आणि दुसरे असतात पेप्टिक सेल. पेप्टिक सेल जे असतात ना, ते एक एन्झाइम रिलीज करतात, त्याचं नाव आहे पेप्सिनोजेन. त्याचं नाव आहे पेप्सिनोजेन. आणि पराइटल सेल्स जे आहेत ना, पेप्टिक सेल्स आर द चीफ सेल्स रिलीजेस पेप्सिनोजेन, एवढं लक्षात ठेवा. अँड पराइटल सेल्स जे असतात त्या गॅस्ट्रिक ऍसिड रिलीज करतात. या गॅस्ट्रिक ऍसिडमुळे हा पेप्सिनोजेन जो इनॅक्टिव्ह फॉर्म असतो एन्झाइमचा, पेप्सिनोजेन इज द इनॅक्टिव्ह फॉर्म ऑफ एन एन्झाइम, हा एन्झाइम ऍक्टिव्ह होतो. इनॅक्टिव्ह फॉर्म ऑफ एन्झाइम आहे पेप्सिनोजेन, तो ऍक्टिव्ह होतो. कधी ऍक्टिव्ह होतो? इट बिकम्स ऍक्टिव्ह ड्यू टू द इट बिकम्स प्रॉब्लेम. It becomes active due to the gastric acid. Gastric acid is the pH, so the pH mode, pepsinogen do ahe to active. Ata baga, pepsin is secreted by, ata he je chief cell atna yanna akhi akna avi, yanna zymogen cell asa pramata. Pepsin is released by, baga ata, pepsin is released by, ata ja pepsinogen pahile release hoto, tenna zymogen cell asa pramata. Manun, 20 cha answer je asel, te asla pahije A. सेम रिलेटेड क्वेश्चन आहे. 20 आंसर एकदा असलं पाहिजे इथे, कारण बघा मी आता सांगितलं तुम्हाला पेप्टिक सेल किंवा चीफ सेल काय रिलीज करतात? पेप्सिनोजेन. पेप्सिनोजेन काय? इनॅक्टिव्ह फॉर्म ऑफ एन्झाइम आहे. इनॅक्टिव्ह फॉर्म ऑफ एन्झाइम आहे, तर इनॅक्टिव्ह फॉर्म ऑफ एन्झाइमला झायमोजेन म्हणतात. काय म्हणतात त्याला? झायमोजेन. आणि मग झायमोजेन रिलीज करणाऱ्या सेल कोणत्या आहेत? पेप्टिक सेल आहेत. पेप्टिक सेल म्हणजे कोणत्या सेल? चीफ सेल्स आहेत. म्हणून पेप्सिन, आता पेप्सिनोजेनचं कन्वर्जन पेप्सिन मध्ये कधी होईल? ज्या वेळेस त्यांना काय मिळणार आहे? ऍसिडिक पीएच मिळणार आहे. ऍसिडिक पीएच कोण बनवणार आहे? गॅस्ट्रिक ऍसिड बनवणार आहे. गॅस्ट्रिक ऍसिड कोण रिलीज करणार आहे? गॅस्ट्रिक ऍसिडला रिलीज करणार आहे पराइटल सेल. एवढं सगळे पॉईंट लक्षात ठेवा. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा. गॅस्ट्रिक सेल इनडायरेक्टली हेल्प इन द इरिथ्रोपॉयसिस. Which of the following gastric cells indirectly help in erythropoiesis? Erythropoiesis म्हणजे आरबीसी फॉर्मेशन मध्ये कोणत्या सेल्सचा रोल असू शकेल? गॉबलेट सेल, म्युकस सेल, पराइटल सेल, चीफ सेल. आता बघा तुम्हाला हे कळालं? ऑप्शन आता इथे डी का असलं पाहिजे? हर्षल आन्सर कर, चार्ट दिसतायत मला. गॉबलेट सेल पण काय म्युकस रिलीज करतात? मग म्युकस इरिथ्रोपॉयसिस मध्ये काय रोल आहे का? नाही. म्युकस सेल पण काय रिलीज करतात? म्युकस रिलीज करतात. गॉबलेट सेल म्हणजे म्युकस सेल आहेत एक प्रकारच्या. म्हणून हे दोन आन्सर असू नाही शकत. चीफ सेल काय रिलीज करतात? चीफ सेल झायमोजेन रिलीज करतात. झायमोजेन म्हणजे पेप्सिन रिलीज करतात. पेप्सिनचं काम काय असतं? पेप्सिनचं काम असतं प्रोटीनचं डिग्रेडेशन करायचं. प्रोटीनच्या डिग्रेडेशनचं काम पेप्सिन करतो. म्हणून चीफ सेल याच्यामध्ये इन्वॉल्व्ह नसतात. आता पराइटल सेल ऍसिडिक कंडिशन रिलीज करतात. ऍसिडिक कंडिशन साठी रिस्पॉन्सिबल असतात. आणि या ऍसिडिक कंडिशन मुळे काही आयन्स जे असतात, फॉर एक्झाम्पल काही सबस्टन्सेस असतात, लाईक आपण म्हणूयात की आरबीसी फॉर्मेशन जे आहे, इरिथ्रोपॉयसिस मीन्स द आरबीसी फॉर्मेशन. आणि या आरबीसी फॉर्मेशन साठी आयनची आवश्यकता असते. ठीक आहे, एफईची आवश्यकता असते. या एफईचं ऍब्सॉर्प्शन कधी वाढतं? ज्यावेळेस कंडिशन ऍसिडिक असतं. त्यामुळे बघा पराइटल सेल इथे इनडायरेक्टली कशा हेल्प करतात लक्षात घ्या. पराइटल सेल जे असतात ते ऍसिडिक कंडिशन मेंटेन करतात. आणि ऍसिडिक कंडिशन मुळे जे आयनचं ऍब्सॉर्प्शन आहे, फूड मधनं आयनचं ऍब्सॉर्प्शन जे आहे ते इन्क्रीज होतं, वाढतं. त्यामुळे इनडायरेक्टली ते हेल्प करतायत आरबीसी फॉर्मेशन. हे लक्षात ठेवा इथे. हा, पेप्सिन ऍसिडिक कंडिशनलाच ऍक्टिव्ह असतात. पेप्सिन ऍक्टिव्ह का झाले? कारण पेप्सिनोजेन जो इनॅक्टिव्ह फॉर्म होता त्याला ऍक्टिव्ह जर करायचं असेल तर ऍसिडिक कंडिशन पाहिजे असतं म्हणून. ठीक आहे, आणि ऍसिडिक कंडिशनचा आणखी एक बेनिफिट काय? आयनचं ऍब्सॉर्प्शन यामध्ये इन्क्रीज होताना दिसतं. आयन जो आहे तो हिमोग्लोबिन फॉर्मेशन साठी पाहिजे आहे. म्हणजेच इरिथ्रोपॉयसिस जर करायचं असेल
तर हिमोग्लोबिन पाहिजे, सॉरी तर आयन पाहिजे, आरबीसी बनवायचं असेल तर हिमोग्लोबिन पाहिजे, हिमोग्लोबिन जर बनवायचं असेल तर आयनचं ऍब्सॉर्प्शन व्हायला पाहिजे. म्हणून इनडायरेक्टली कोण हेल्प करणार आहे इथे, आन्सर असलं पाहिजे पॅरायटल सेल्स. पुढचा क्वेश्चन घेऊयात आपण. विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ द हिपॅटोपॅनक्रियाटिक डक्ट इन टू द डिओडेनम. हिपॅटोपॅनक्रियाटिक डक्ट जे असते असं पॅनक्रियाज असतो बघ, लीफ सारखी ग्लँड, ओके, आणि मग इथे गल ब्लॅडर, यांचं जे कॉमन ओपनिंग आहे यांना म्हणतो आपण हिपॅटोपॅनक्रियाटिक डक्ट. या ज्या हिपॅटोपॅनक्रियाटिक डक्टचं ओपनिंग जे आहे ते डिओडेनम मध्ये होणार, इथे असं डिओडेनम आहे, ठीक आहे. या डिओडेनम मध्ये हिपॅटोपॅनक्रियाटिक डक्टचं ओपन होणार आहे, ओपनिंग होणार आहे. हे कोण गार्ड गार्ड करत, कोण गार्ड करत? 26 आंसर सांगा काय. स्फिंक्टर ऑफ ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडी, ओडी तो जो आहे तो त्याला गार्ड करतो. त्याचं ओपनिंग जे आहे हिपॅटोपॅनक्रियाटिक डक्ट डिओडेनम मध्ये, इथे जो स्फिंक्टर असतो त्याला स्फिंक्टर ऑफ ओडी असं म्हणतो, ऑप्शन सी. हे इथे 27 बघा. द सिक्रिशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द इंटेस्टिनल म्युकोसा अलॉंग विथ द सिक्रिशन ऑफ द गॉब्लेट सेल कॉन्स्टिट्यूट काय बनवतात हे, बोला भटकर, सोप्पा एकदम. ब्रश बॉर्डर सेल्स आणि ऑफ इंटेस्टिनल म्युकोसा म्हणजे इंटेस्टाईन जे सिक्रिशन सोडतं त्याला काय म्हणतात, सिम्पल आन्सर आहे. इंटेस्टिनल काइम काय असलं पाहिजे, सेंटरिकस, सक्का सेंटरिकस, ठीक आहे, इझी आहे. लार्ज इंटेस्टाईन लॅक्स काय नसतं, लार्ज इंटेस्टाईन गॉबलेट सेल, इपिप्लोइक अपेंडेजेस, प्लायसे, सर्क्युलर्स अँड होयस्ट्रा. तुम्हाला मी दाखवून देतो इन्फ्रास्ट्रक्चर, थांब. ऑप्शन एक्सप्लेन करा ना. हा ऑप्शन एक्सप्लेन करतो आता बघा. याच्यामध्ये गॉबलेट सेल तुम्हाला माहिती आहे, त्यातला आता बाकीचे स्ट्रक्चर्स जे असतात ते मी तुम्हाला पहिले शो करतो. त्यामध्ये क्वेश्चन नंबर आहे हर्षल, इथे हा क्वेश्चन आहे 28 नंबरचा. लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये काय नसतं हे मी तुम्हाला दाखवतो, एक मिनिट फिगर दाखवली तो फास्ट होऊन जाईल. हे दिसतंय तुम्हाला, हे वाला स्ट्रक्चर इथे जे दिसत आहे इंटरेस्ट मध्ये, हे फॅट सारखे स्ट्रक्चर दिसतात का मध्ये मध्ये, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर दिसत नाहीये काय, नाही खरा. पुन्हा एकदा स्क्रीन शेअर करतो मी, एक मिनिट. हे बघा, हे दिसतात का स्मॉल फॅट सारखे स्ट्रक्चर, आता दिसतात का? हो सर, स्ट्रक्चर दिसतात का स्मॉल फॅट सारखे स्ट्रक्चर. हा, यांना म्हणायचं इपिप्लॉइक अपेंडेजेस. इथे बघा तुम्ही, इथे पण क्लिअरली दिसतील तुम्हाला, हे इपिप्लॉइक अपेंडेजेस, ठीक आहे. हे स्मॉल फ्लॅट सारखे स्ट्रक्चर जे दिसत आहे बघा, याला इपिप्लॉइक अपेंडेजेस म्हणतो आपण. आणि हे इपिप्लॉइक अपेंडेजेस लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये जे असतात ते प्रेझेंट असतात, ठीक आहे. दुसरा त्यांनी विचारलंय प्लाय सर्क्युलर्स, ठीक आहे. पुन्हा एकदा स्क्रीन शेअर करतो मी, म्हणजे इपिप्लॉइक अपेंडेजेस असतात. हे बघा, आता हे लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये हा सुद्धा पार्ट प्रेझेंट असतो अलॉंग विथ द स्मॉल इंटेस्टाईन. हे पहा, हे विला, हे जे विला दिसतात तुम्हाला, या विलामध्ये हे वाले रिजन जे दिसतात ना असे असे राईट, त्याला प्लाय सर्क्युलर्स म्हणतो. एक मिनिट बघा, हे जे विलाय दिसतात तुम्हाला, या विलायमध्ये असे गोल गोल वरती आलेले स्ट्रक्चर दिसतात का, जसं की आपण त्या मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये बघतो तसे वाले स्ट्रक्चर. आता हे विलाय दिसतात, या विलायच्या खालचा जो ब्रश बॉर्डर सारखा स्ट्रक्चर दिसतो का, हे पहा वाला, याला प्लाय सर्क्युलर्स म्हणतो. म्हणजे हे असे सर्कल सारखे स्ट्रक्चर, याला प्लाय सर्क्युलर्स म्हणतो. हे सुद्धा प्रेझेंट असतात
लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, हे सुद्धा लार्ज इंटेस्टाइन मध्ये प्रेझेंट असतात. आणि पुढचा पॉइंट त्यांनी सांगितला होएस्ट्रा, पुन्हा एकदा स्क्रीन शेअर करतो. हेलो. हाँ सर. आता याच्यातले बघा, गॉबलेट सेल जे असतात ते प्रेझेंट असणार आहेत. आपण हा पण स्ट्रक्चर पाहिला, हा पण प्रेझेंट आहे. फ्लाय सर्क्युलर सुद्धा प्रेझेंट आहे. आता जे होएस्ट्रा आहेत ना, दिस होएस्ट्रा आर ऍबसेंट. होएस्ट्रा हे असे स्ट्रक्चर असतात की जे स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये प्रेझेंट असतात, लार्ज इंटेस्टाईन मध्ये हे ऍबसेंट असतात. पुन्हा एकदा स्क्रीन शेअर करून तुम्हाला ते जे स्ट्रक्चर आहे होएस्ट्राचं ते दाखवतो. हे पहा, हे जे स्ट्रक्चर दिसतात तुम्हाला, जे कोलॉन मधली ही मधली लाईन असते, या ही लाईन दिसते आणि या लाईनला डायरेक्टली अटॅच असे स्ट्रक्चर दिसतात ज्यांना आपण होएस्ट्रा असं म्हणतो. हे सुद्धा फॅट बॉडी सारखे असतात. होएस्ट्रा सुद्धा फॅट बॉडी सारखे असतात, सपोर्ट करतात त्या इनर लाईनिंगला. इनर लाईनिंगला सपोर्ट करणारे असतात हे होएस्ट्रावाले स्ट्रक्चर. आणि हे होएस्ट्रा जे असतात ते स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये प्रेझेंट असतात. दीज आर ऍबसेंट इन द लार्ज इंटेस्टाईन. ऍक्च्युअली हे आपल्या सिलेबस मध्ये नाही, दिस इज नॉट गिव्हन इन द सिलेबस. ठीक आहे, यामध्ये काही एक्सेसिव्ह क्वेश्चन्स दिले, आपण जे काही रिलेटेड क्वेश्चन्स असतील तेवढे सॉल्व्ह करूयात, कारण खूप वेळ जाईल अशा क्वेश्चन्स मध्ये. 39 सांगा. The initial step in the digestion of milk in the human is carried out by. सर स्टार्टिंग में रेनिन रिलीज होता है ना, फिर वो एचसीएल से रिप्लेस होता है. आंसर शुड बी रेनिन. और ये रेनिन कब रिलीज होता है? पहले 2 साल. माहिती तुम्हाला शिकवताना एकदा सांगितलं होतं मी तुम्हाला की रेनिन जो असतो ना, की तो रेनिन पहिल्या 2 वर्षांमध्ये सर्वात जास्त असतो. त्यामुळे लहान मुलं बघा, पहिल्या 1 वर्षामध्ये पण तो खूप जास्त असतो. त्यामुळे जे जन्माला आलेली मुलं असतात ते दुधावरच असतात पहिले 6 महिने. का बरं ते एवढं दूध पचवू शकतात? एखाद्या म्हाताऱ्या माणसाला पण एवढं दूध पचत नाही, कारण लॅक्टोज टॉलरन्स जो असतो तो फार कमी असतो. जसं जसं एज आपलं वाढतं तसं तसं लॅक्टोज टॉलरन्स जो असतो तो कमी कमी होत जातो. ठीक आहे, त्यामुळे बघा रेनिन जो आहे, दिस एन्झाइम इज प्रेझेंट इन द डायजेशन ऑफ द मिल्क फॉर इन द ह्युमन. ठीक आहे, जसं जसं एज वाढत जाईल तसं तसं रेनिन जे असतं त्याचं सिक्रिशन कमी कमी होत जातं. ठीक आहे, सो आन्सर शुड बी रेनिन. 39 का आन्सर रेनिन होणार चाहिए. नेक्स्ट इज गॅस्ट्रिक ज्यूस ऑफ इन्फंट कंटेन. आताच बोललो मी याचा आन्सर, रिलेटेड आन्सर मी सांगितलं. सोप्पा एकदम क्वेश्चन. 42 गॅस्ट्रिक ज्यूस मध्ये काय असतं रे? तुम्हाला जनरल फक्त कम्पेअर करायचं, गॅस्ट्रिक ज्यूस मध्ये काय असतं, जस्ट हॅव टू कम्पेअर. चलो ट्राई करो. देखो ये माल्टेज कहाँ पे होता है क्या? गैस्ट्रिक जूस में कभी माल्टेज होता है क्या? देखो रेनिन तो होना चाहिए. एक तो आंसर तुमसे ए असलं पाहिजे किंवा आंसर तुमचं सी असलं पाहिजे, दोघांपैकी काहीतरी तुमचं आंसर असलं पाहिजे. कारण रेनिन जे असणार ते लहान मुलांमध्ये असणार. ठीक आहे, मग आता याच्यामध्ये ऑप्शन ए जो आहे, माल्टेज असतो का रे कधी गॅस्ट्रिक ज्यूस मध्ये? नाही. माल्टेज तुम्हाला कुठे सापडेल? स्मॉल इंटेस्टाईन मध्ये सापडेल. म्हणून इथे गॅस्ट्रिक ज्यूस मध्ये विचारलाय, म्हणून हे आन्सर होऊ नाही शकत. ठीक आहे, आता इथे पहा, न्यूक्लियस, पेप्सिनोजेन आणि लायपेज, त्यानंतर पेप्सिनोजेन, लायपेज, रेनिन. आता पहा, रेनिन जे असेल ते लहान मुलांमध्ये असेल ना, इन्फॅन्ट्स मध्ये. ठीक आहे, म्हणून आन्सर जे असलं पाहिजे ते आपलं सी असलं. ठीक आहे, खूप सोपा क्वेश्चन आहे. 42 झाला.
आता रिलेटेड एक क्वेश्चन घेऊयात पुन्हा 44. फ्रक्टोज इज ऍब्सॉर्ब इनटू द ब्लड थ्रू म्युकोसा सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन बाय द प्रोसेस. फ्रक्टोजचं ट्रान्सपोर्टेशन कसं होत? खूप सोपं आहे. 44. फ्रक्टोज कसं ऍब्सॉर्ब होईल? फ्रक्टोजच्या ट्रान्सपोर्टसाठी ट्रान्सपोर्टर पाहिजे असतो, पण त्याला एनर्जी पाहिजे नसते. एवढा हिंट दिली. ट्रान्सपोर्टर पाहिजे पण एनर्जी नाही लागत त्या ट्रान्सपोर्टर. मच हिंट आहे सांगा, आता तरी सांगा पटकन. सर बी. येस, इट इज फॅसिलिटेटेड ट्रान्सपोर्ट. फ्रक्टोजचं ट्रान्सपोर्ट जे होतं ना ते म्युकोसा मधनं होतं इंटेस्टाईनच्या, आणि ही जी प्रोसेस असते ना या प्रोसेसमध्ये ट्रान्सपोर्टर असतो जो फ्रक्टोजला आतमध्ये घेईल, पण त्या ट्रान्सपोर्टरला एनर्जीची आवश्यकता नसते. ठीक आहे, सो इट इज अ फॅसिलिटेटेड ट्रान्सपोर्ट. युनिपोर्ट टाईपचं ट्रान्सपोर्ट त्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन बघूयात. रिलेटेड क्वेश्चन नीट 2016 हा क्वेश्चन बघा. 55. Name the peptide hormone which acts mainly on the hepatocytes, adipocytes and enhances the cellular glucose uptake and utilization. So, what? Insulin. Yes, easy. Insulin. Ye sanga var, ye humne dekha tha. Kwashiorkor and beriberi are. C, deficiency disease. Yes, these are the deficiency diseases. कौन सा क्वेश्चन दे सकते हैं? ये assertion or reason वाला. Thick layers of muscles are present in the wall of the alimentary canal. These muscles help in mixing the food materials with the enzymes coming from different glands in the alimentary canal. Dono bhi sahi lag raha hai mere ko. Aapko? Yes sir, sahi hai. Thick matlab thoda mota hi hota hai na. Sab ka three layers hote hai na unke paas. Serosa, mucosa aur sub mucosa. Mucosa, sub mucosa aur serosa. Aise teen layer dikhai dete hai. To fir abhi ye इसका ए भी सही है और बी भी सही, एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. तो ऑप्शन क्या होना चाहिए इसमें देखो. ऑप्शन पहले ऑप्शन तो पढ़ लो. यस, ऑप्शन ए होना चाहिए इसका. नेक्स्ट, द स्टमक म्यूकोसा इज नॉट डाइजेस्टेड. द स्टमक म्यूकोसा इज नॉट डाइजेस्टेड बाय इट्स ओन सिक्रीशन. म्यूसिन कोट्स द म्यूकोसा ऑफ स्टमक. उन्होंने बोला कि उसके जो खुद के सिक्रीशन होते हैं उससे म्यूकोसा का डाइजेशन नहीं होता. क्यों नहीं होता? तो उसने रीजन दिया है कि म्यूसिन कोट्स द म्यूकोसा ऑफ स्टमक. दोनों भी सही है ना? अरे बरोबर है ना, म्यूसिन चा कवर असतो. म्यूसिन मीन्स, व्हाट इज म्यूसिन? म्यूसिन मीन्स अरे म्यूसिन का मतलब क्या है? म्यूकस. इंटेस्टाइनच्या आतमध्ये म्यूकस का लेअर असतो की नाही? असा म्यूकस का लेअर क्या करेगा? वो जो एंजाइम है उस एंजाइम को इस म्यूकोसा के कांटेक्ट में आने ही नहीं देगा वो, तो उसका खुद का डाइजेशन नहीं होगा. राइट, सो यहाँ पे assertion is true, reason is also true, reason is the correct explanation. तो म्यूसिन की वजह से, म्यूसिन का जो कोट है यानी म्यूकस का जो कोट है उसी की वजह से स्टमक का प्रोटेक्शन होता है. नेक्स्ट इज, इन अल्कोहलिक ड्रिंक द अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू द ग्लूकोज इन लीवर. ऐसा होता है क्या? नहीं होता सर, नहीं सुना आप तो मतलब तक. ग्लूकोज फ्रॉम अल्कोहल बाय बैक फर्मेंटेशन. ऐसा होता है क्या? नहीं होता सर. लीवर क्यों उसे कन्वर्ट करेगा? डायरेक्ट निकाल देगा ना, है ना? हाँ सर, लीवर निकाल देगा ना उसे पायरेटिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके. एक तो बैक फर्मेंटेशन लीवर कर नहीं सकता. सबसे पहली बात, लीवर सेल्स बैक फर्मेंटेशन कर नहीं सकते. रीजन तो फॉल्स है, लेकिन मुझे बताओ, जो कभी कभी अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं वो फैटी हो जाते हैं. ये अल्कोहल जो होता है ना, इस अल्कोहल को ब्रेक डाउन करने वाला जो होता है ना,
उस एंजाइम को बोलते हैं अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अल्कोहल का यूटिलाइजेशन करने वाला एंजाइम होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, वो उसका कन्वर्जन दूसरे प्रोडक्ट में करता है। लाइक अल्कोहल का ब्रेकडाउन होकर एसिटाल्डिहाइड जैसा प्रोडक्ट बन सकता है, और बाद में एसिटिल कोए जैसा प्रोडक्ट बन सकता है, एसिटिक एसिड भी बन सकता है। और उसका कन्वर्जन अगर एसिटिल कोए बन गया, एसिटिल कोए बन गया तो उसका कन्वर्जन किसमें हो सकता है? फैट में हो सकता है। याद होगा एसिटिल कोए बन गया तो फैट में हो सकता है, समझ में आया? तो ग्लूकोज में तो कन्वर्जन नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या होगा इसका 67 का? बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे नहीं मिलेंगे आपे। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक ले लेंगे आप, बीए रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है ज्यादा इसमें, एक बार ट्राई करके देखो। 21 विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्वोलन लिप्स थिक पिगमेंटेड स्किन ऑफ हैंड्स एंड लेग्स इरिटेबिलिटी, कौन सा डिसीज है? सर बी प्रोटीन क्यों का श्योर? और श्योर कर? हाँ सर श्योर। विच वन ऑफ द लिप्स थिक पिगमेंटेड स्किन हैंड्स एंड लेग्स इरिटेबिलिटी? बी आयोडीन तो नहीं है सर, गोचर होता है उससे पता है। स्वोलन लिप्स कैसे मिलेंगे आपको? थिक पिगमेंटेड स्किन भी कैसे मिलेगी? पिगमेंटेड स्किन का मतलब समझ आ रहा है आपको? हाँ सर, पिगमेंट्स ऑफ स्किन। क्वाशियोर्कर में क्या होता है? क्वाशियोर्कर इज द प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, है ना? ये माल न्यूट्रिशन है, क्वाशियोर्कर इज द माल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे माल न्यूट्रिशन कहाँ पे दिखाई दे रहा है? स्वोलन लिप्स है, थिक स्किन है हैंड्स एंड लेग्स की। ये गॉइटर में भी नहीं होगा, थायमिन बेरी बेरी में नहीं होगा, ये इसका निकोटिनामाइड है, निकोटिनामाइड। ये जो डिसीज है ना, सबसे पहले डॉग में डिसाइड हुआ था, डॉग में दिखाई दिया था। ये अनरिलेटेड क्वेश्चन है सब, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसका आंसर पेलाग्रा है, क्योंकि ये सबसे पहले डॉग में पेलाग्रा जो होता है, ये इसमें ऐसे में देखा होता है जीभ जी हंसते रहती काली होते, टंग बिकम्स ब्लैक इन पेलाग्रा। उसके साथ में स्किन जो होते है ना, टंग ब्लैक हो जाती है, लिप जो होते हैं वो सोलन दिखाई देते हैं, स्किन भी पिगमेंटेड ब्लैक पिगमेंट स्किन में दिखाई देते हैंड्स और लेग्स के। तो ये पेलाग्रा होता है। तो ये तो रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, छोड़ो, रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम ये इसके क्वेश्चंस ले लेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, दैट्स रिलेटेड क्वेश्चंस वी विल ट्राई टू सॉल्व, ये अनरिलेटेड में भी टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। ये देखो नीट 2013 का, ट्राई करो। फर्स्ट आंसर है, नाइन्थ आंसर। The figure shows a diagrammatic view of the human respiratory system with labels A, B, C, D. तो ये A क्या है आइडेंटिफाई करो, ये B क्या है? ट्रेकिया। ट्रेकिया। Yes, A ट्रेकिया है। आंसर A ही करेक्ट है, लॉन्ग ट्यूब supported by cartilaginous ring and conducted air inspire air। और भी कुछ हो सकता है ना, देखो ये क्या है बी, ये क्या है बी, बी का यहां पे दिया है यस pleural membrane, यहां पे दिया गया कोई ऑप्शन सर, बी भी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन के जैसे मतलब सपोर्ट करता है ना सर, शॉक एब्जॉर्बर और बाकी सब मैकेनिज्म का लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड cartilaginous ring for conducting inspired air बी is the pleural membrane surround the ribs on both sides। ये ऐसे questions है यहाँ पे, देखो यहाँ पे ऐसे directly सब identify नहीं करना है। B क्या दिया है? Pleural membrane surround ribs on both side, provide cushion against the rubbing, ठीक है। C क्या दिया है यहाँ पे? Alveoli thin walled vascular bag like structures for exchange of gases, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है इनकरेक्ट पूछा है? करेक्ट पूछा, सारे करेक्ट है सर। क्यों? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड मेन फंक्शन और कैरेक्टरिस्टिक, ऑप्शन डी।
लोअर एंड ऑफ द लंग्स लंग्स डायफ्राम पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन, है ना? ये कब, ये ऐसा पुल्स इट डाउन, ही नीचे ही जाता है ना, ये फ्लैट हो जाता है कंप्लीट जब हम रेस्पिरेशन करते हैं, अंदर सांस लेते हैं तब ये नीचे जाता है और सांस जब ऊपर जाते हैं. सही, सब सब सही है यहाँ पे. ऑल आर राइट, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है. सिलेक्ट द ऑप्शन विच गिव करेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शन और एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक. ट्रैकिया क्या है? लॉन्ग ट्यूब सपोर्टेड बाय द कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग फॉर कंडक्टिंग इंस्पायर्ड एयर, सो इसे हम विंड पाइप भी बोलते हैं. ल्यूनल मेम्ब्रेन सराउंड रिब्स ऑन बोथ द साइड्स, ये रिब्स को दोनों साइड से सराउंड कर रहा है और ये कुशिंग भी प्रोवाइड करता है. अल्वियोला है, थिन वॉल्ड वास्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इन्वॉल्व होता है. ठीक है, सी तो भी, सी का भी लेबलिंग सही है, बी का भी लेबलिंग सही है, ए का भी लेबलिंग सही है, ठीक है, और डी का भी लेबलिंग सही है, सब सही है यार. Maybe there might be some issue with the label. यहाँ पे लेबल अच्छे से देखना चाहिए. ठीक है, सबका सही आंसर सही है यार. Next question ये देखेंगे. 18. Lungs are made up of air filled sacs. Alveoli. They do not collapse. Sir. एक डाउट है, मतलब एक करेक्ट नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग ना, कंप्लीट नहीं रहता, थोड़ा बीच में से मतलब खुला रहता है वो रिंग. सी शेप ट्रेकिया का. हां सी शेप, मतलब उन्होंने कंप्लीट बोला है तो ये हो ही नहीं सकता. बाद में ये फिर सुनो एक बार पढ़ें. सराउंड द रिब्स ऑन बोथ साइड्स प्रोवाइड द कुशन अगेंस्ट द रबिंग, रिब्स को सराउंड करते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन रिब्स को नहीं करते रे, अंदर से रहते हैं. अरे हाँ ये भी गलत है, देखो ए गलत है क्योंकि वो पूरा कंप्लीट नहीं रहता सर. रिंग्स रिब्स को नहीं सराउंड करता है ये, किसी को अंदर वाले जो लंग्स होते हैं उन्हें सराउंड करता है प्लूरल मेम्ब्रेन. ठीक है, रिब्स को नहीं सराउंड करता. सी अलवे बोला है थिन वॉल्ड वास्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थिन वॉल्ड होते हैं, वास्कुलर भी होते हैं, बैग लाइक बलून लाइक होते हैं, बलून लाइक और बैग लाइक दोनों भी कंसिडर कर सकते हैं. डी लोअर एंड ऑफ लंग्स अ डायफ्राम पुल्स इट डाउन, ये सही. ऑप्शन डी सही हो सकता है, मोस्ट ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन डी हो सकता है इसकी. 18 सर डी है क्योंकि ए का आधा खुला रहता है ना, पूरा कंप्लीट नहीं रहता वो रिंग. नहीं ए तो सही, ए तो गलत ही है ना, वहां पे नहीं रहते, तो बचा डी है, सी शेप रिंग रहते. ठीक है, 18 लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फिल्ड सैक्स द अल्वियोलाई, दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन बिकॉज ऑफ. क्यों? ए होना चाहिए इसका आंसर, रेसिडुअल वॉल्यूम. लंग्स जो होते हैं वो एयर फिल्ड सैक्स है, लंग्स जे असतात आपले ते एअर फिल्ड सॅक्स असतात, त्याच्यामध्ये ते पूर्णपणे कोलॅप्स नाही होत जरी आपण पूर्णपणे हवा बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला तरी. पूर्ण हवा बाहेर काढली त्याच्यानंतर जो रिमेनिंग व्हॉल्यूम असतो त्याला काय म्हणतो आपण? रेसिड्युअल व्हॉल्यूम. जो रिमेनिंग व्हॉल्यूम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिड्युअल व्हॉल्यूम, है ना? इसकी वजह से लंग्स कोलॅप्स नहीं होते ना. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ये तीन का आंसर होना चाहिए. ऑप्शन ए इज करेक्ट, सोचो इस पर सही है क्या. ऑप्शन ए इज करेक्ट, residual volume is the volume that is remaining after the forceful expiration. So option A is correct. हाँ वाला question सुनिए. Lungs do not collapse between the breaths and some air always remains in the lungs which can never be expelled. बघा the same type का question. There is a negative intra क्या है पहला? There is negative pressure in the lungs. There is negative intrapleural pressure pooling at the lung walls. Next option is there is positive intrapleural pressure. Pressure in the lungs is higher than the atmospheric pressure. Atmospheric pressure से ज्यादा नहीं होगा जब आप expiration करते हो तो atmospheric pressure से ज्यादा नहीं होगा lungs में का pressure. लेकिन lungs collapse क्यों नहीं होते? क्योंकि some amount of air is remaining in the lungs. That is called as a residual volume. ये रेसिडुअल वॉल्यूम की वजह से क्या होता है? लंग्स पूरी तरह से अंदर कोलैप्स नहीं होंगे, पूरी तरह से वो अंदर कोलैप्स नहीं होंगे बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ द रेसिडुअल वॉल्यूम. तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स. नेगेटिव प्रेशर तो है लेकिन इसकी वजह से तो कोलैप्स हो सकता है. देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर कूलिंग एट द लंग वॉल्स. ये आंसर सही होना चाहिए क्योंकि ये इंट्राप्लूरल प्रेशर जो है ना ये लंग्स वॉल को पकड़ के रखता है. देखो प्लूरल वॉल जो होते हैं, प्लूरल अभी देखा हमने, प्यूरा जिसे बोलते हैं, प्यूरा क्या करेंगे?
लंग प्लूरल मेम्ब्रेन इज कनेक्टेड विद द लंग्स ना। अरे आया क्या समझ में? अंडर अंदर प्रेशर निगेटिव होगा जब आप एयर बाहर छोड़ रहे हो, व्हेन यू आर रिलीजिंग एयर आउटसाइड, अंदर कुछ एयर रिमेनिंग है वो रेसिडुअल वॉल्यूम है, लेकिन एटमोस्फेरिक प्रेशर तो कभी भी ज्यादा ही होगा। जब ज्यास तुम्ही एयर ज्यास बाहेर सोडता, एटमोस्फेरिक प्रेशर जास्त असणार आहे, बाहेरचा प्रेशर जास्त असणार एज कम्पेअर टू द लंग्स। त्याचमुळे आपण परत हवा आतमध्ये घेतो ना, हवा पुन्हा आतमध्ये का जाते? बिकॉज ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर इज हाय। त्या केसमध्ये ज्यावेळेस आपण हवा बाहेर सोडतो त्यावेळेस लंग्स मधला प्रेशर जास्त असतो, ठीक आहे? सोडताना लंग्सचा प्रेशर जास्त असतो, सोडल्यानंतर काय लंग्स मधला प्रेशर कमी, ठीक आहे? रेसिड्युअल व्हॉल्यूम जो असेल तो त्या लंग्सला कोलॅप्स नाही होऊ देणार, हा एक फॅक्टर आहे। दुसरा फॅक्टर आहे की ही जी मेम्ब्रेन आहे, कोणती मेम्ब्रेन, दिस प्लुरल मेम्ब्रेन विल गेट अटॅच विथ दिस लंग्स, लंग्सची जी वॉल आहे त्या वॉलला प्लुरल मेम्ब्रेन पकडून ठेवेल। त्याच्यामुळे बघा, देअर इज अ निगेटिव्ह इंट्रा प्लुरल प्रेशर कुलिंग ऍट द लंग्स वॉल, कळलं? लंग्सच्या वॉलला तो पकडून ठेवेल, असं समजून घ्या की प्लुरा ज्या असतात त्या लंग्सच्या वॉलला पकडून ठेवतात कारण ते अटॅच आहेत, आणि आतमध्ये रेसिड्युअल व्हॉल्यूम पण आहे। म्हणजे दोन्ही फॅक्टर, म्हणजे त्या क्वेश्चनचा आन्सर रेसिड्युअल व्हॉल्यूम होतं, या क्वेश्चनचा आन्सर काय प्लुरल वॉल, कारण इथे रेसिड्युअल व्हॉल्यूम ही कन्सेप्टच दिलेली नाही। क्वेश्चन दोन्ही पद्धतीने विचारला जाऊ शकतो इथे। आर यू गेटिंग? हॅलो, येस सर, गेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे रेसिडुअल वॉल्यूम वाला क्वेश्चन नहीं पूछा उन्होंने। देखो सेम क्वेश्चन ऐसा ही नीट में आया था, हमने अभी सॉल्व किया जो 2017 का था, लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन ही नहीं है रेसिडुअल वॉल्यूम वाला 2016 में, तो उन्होंने यही क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा। नेक्स्ट इज ये देखेंगे, approximately 70% of carbon dioxide absorbed by the blood will be transported to the lungs. अरे कितना इजी है सर, डी एज कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन जो भी है। नहीं नहीं नहीं, वो तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कैरी करता है, लेकिन सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कौन से फॉर्म में जाएगा? आपको पता है एक एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसे हम CA बोलते हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो होता है HCO3 ब्लड या फिर ब्लड का जो लिक्विड कॉम्पोनेंट है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होता है, और किस किस फॉर्म में वो कैरी होता है, आरबीसी में भी हो या फिर किसी में भी हो, कौन से फॉर्म में कैरी होता है? आर यू गेटिंग? कार्बन डाइऑक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड बनतो, हा कार्बन डाइऑक्साइड कोणत्या फॉर्म मध्ये कॅरी होतो मॅक्सिमम? आरबीसी मध्ये पण कार्बोनिक एनहायड्रेज एन्झाइम असतो जो या कार्बन डायऑक्साइडच कन्वर्जन करतो बाय कार्बोनेट आयन मध्ये, ठीक आहे? आणि जे काही वॉटर आहे त्या वॉटर मध्ये पण कार्बन डायऑक्साइड जो आहे, वॉटर म्हणजे ब्लडचा जो लिक्विड पोर्शन आहे, त्यामध्ये सुद्धा कार्बन डायऑक्साइड हा बाय कार्बोनेट आयनच्या फॉर्म मध्ये कॅरी होतो। तो ये ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता, इन द फॉर्म ऑफ द डिसॉल्व गैस मोलेक्यूल्स बाय बाइंडिंग टू द आरबीसी, नॉट ओनली बाय बाइंडिंग टू द आरबीसी। कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन म्हणजे फक्त ये अमाइनो एसिड जो होते हैं हीमोग्लोबिन के, उसको अटैच होकर ट्रांसफर हो रहा है, तो सबसे ज्यादा वो कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? इन द फॉर्म ऑफ द बायकार्बोनेट आयन्स। देख लो एक बार, इज इट क्लियर? एक बार सोचो उस पर, अगर आपने पढ़ा होगा तो। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज प्रेजेंट इन द आरबीसीज, ये भी उसे आरबीसीज में भी ये इसी फॉर्म में कैरी होता है, ज्यादातर बाय कार्बोनेट आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो, 32 वाला। द फिगर गिवन बिलो शोज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ह्यूमन लंग वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस, ओके? इन विच वन ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो the one part A, B, C, D is correctly identified along with its function. A, B, C, D along with its function. Identify करना है। ये है basement वाली membrane के जैसा दिखाई दे रहा वाला? नहीं। ये squamous layer होगा A वाला, ठीक है? A, this A is the alveolar cavity, main site of exchange of the respiratory gases. D क्या दिया है? D is the capillary wall. ये दिया है D. मतलब clear दिसत नहीं है, पर है D दिसत, दाखवलंय याला ए म्हटलंय।
डी इज द कैपिलरी वॉल, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हियर, बी इज द रेड ब्लड सेल, ये देखो ये इसका सिंबल यहाँ पे इथे अटैच है, बारीक लाइन नहीं दिसत नहीं, बी जो है रेड ब्लड सेल है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेनली हिमोग्लोबिन, एंड सी आर्टेरियल कैपिलरी, आर्टेरियल कैपिलरी हाँ ही आर्टेरियल कैपिलरी पासेस ऑक्सीजन टू द टिश्यूज, क्या ये सही है आर्टेरियल कैपिलरी पास करेगी, ये ऑक्सीजन पास करेगी क्या, क्या लेके जाएगी ये ब्लड लेके जाएगी, अरे पर कौन सा डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड हाँ ये नहीं हो सकता, फिर बी ट्रांसपोर्ट मेनली हीमोग्लोबिन क्यों ट्रांसपोर्ट करेंगे सर, वो ऑक्सीजन करते ना, हीमोग्लोबिन भी नहीं, भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता, कैपिलरी वॉल एक्सचेंज ऑफ द गैसेस टेक्स प्लेस हियर, कैपिलरी वॉल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, या फिर अल्वियोलर कैविटी मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ कैविटी में होता है ना सर, कैपिलरी मतलब ट्रांसपोर्ट लेके जाता है, बाहर से आएगा और यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा, तो फिर आंसर ए होना चाहिए, ये भी इनकरेक्ट, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर, ऑप्शन ए ही करेक्ट होना चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, 33, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द अल्वेओलाई ऑफ द लंग्स इज, ये अल्वेओलाई में जो पार्शियल प्रेशर होगा, ये अल्वेओलाई, इसके कैविटी में जो पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का वो क्या होगा, इक्वल टू दैट ऑफ द ब्लड, मोर देन दैट ऑफ द ब्लड, लेस देन दैट ऑफ द ब्लड, लेस देन दैट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड, कितना इजी है, सर बी, यस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल ऑलवेज बी मोर इन द कैविटी, क्योंकि बाहर से आ रहा है ना वो, तो दिस विल बी ऑलवेज बी मोर, ये सबसे ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ब्लड से भी ज्यादा होगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, इसी वजह से क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट इज रिडक्शन इन द पीएच ऑफ द ब्लड विल सी, एक मिनट मुझे पढ़ने दे, रिड्यूस द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, पीएच अगर कम हुआ तो ब्लड सप्लाई ब्रेन को कम होगा, या फिर डिक्रीज इन द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, रिलीज बाय कार्बोनेट आयंस बाय द लीवर, रिड्यूस द रेट ऑफ द हार्ट बीट, इसमें सीधा होना चाहिए आंसर बी, कोई पर आंसर दे, इजी है सबसे, है ना, ब्लड का पीएच कम हुआ तो हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो होती है वो ऑक्सीजन के लिए कम हो जाती है, हमने वो ग्राफ देखा था, आते थे तुम्हारा ग्राफ, ये ऐसा ग्राफ था, सिग्मॉइड शेप, यस एक ग्राफ हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज कैसे होता है, उसी के लिए एक ग्राफ देखा था, इसमें रिडक्शन इन पीएच ऑफ द ब्लड विल डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन विद द ऑक्सीजन, तो पीएच न्यूट्रल चाहिए तभी एफिनिटी नॉर्मल रहती है, नेक्स्ट इज नेम द क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज मेनली बाय द सिगरेट स्मोकिंग, क्या है इसका आंसर, कितना इजी था सर डी, यस ऑप्शन डी इम्फिसेमा म्हणतो आपण याला, इम्फिसेमा, ओके, इट इज अ क्रोनिक डिसऑर्डर, अस्थमा नहीं, अस्थमा तो ये पहले से हो सकता है, रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस नहीं हो सकता, एसिडोसिस नहीं हो सकता, इट इज इम्फिसेमा, या इम्फिसेमाला ट्रीटमेंट करण्यासाठी काही प्रोटीन की आवश्यकता असते, ओके, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, कितना इजी है, बी 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 सिलिकोसिस होगा, देखो इतने इजी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं इसमें, 2018 ये क्वेश्चन है, 16 का क्वेश्चन है, 44 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशंस इन अस्थमा एंड इम्फिसेमा रिस्पेक्टिवली, अस्थमा और इम्फिसेमा में लंग कंडीशंस क्या क्या होंगे, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सर्फेस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स, इंक्रीज नंबर ऑफ ब्रोंकियोल्स, इंक्रीज, देखो ब्रोंकियोल का नंबर तो बढ़ेगा नहीं, ठीक है, सर्फेस भी बढ़ेगा नहीं, इंक्रीज रेस्पिरेटरी सर्फेस इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स डिक्रीज रेस्पिरेटरी सर्फेस, ये आंसर हो सकता है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी सर्फेस इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकियोल्स, ये मीनिंग क्या है ना सर, दोनों भी, हाँ दोनों का मीनिंग तो एक ही हुआ, यही लिखा है ना यहाँ पे, सेम तो लिखा है ना, क्वेश्चन में कुछ तो गलती हुई होगी टाइप करते वक्त, तो सी और डी दोनों सही है यहाँ, ठीक है सी और डी दोनों सही है, क्योंकि मीनिंग एक ही है ना, देखो इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियल्स यहाँ पे दिया, डिक्रीज रेस्पिरेटरी, नहीं सर सी ज्यादा सही है, करेक्ट है सी ज्यादा करेक्ट है सर, पहला उसका वो डिसीज का नाम है, फिर एक्सप्लेनेशन है, इसमें पहला एक्सप्लेनेशन है फिर डिसीज का नाम है, लेकिन नहीं नहीं वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, इसमें सिम्टम तो दोनों दिखेंगे,
हाँ सिम्पल तो दोनों दिखेंगे. यस फोर्टी सी ज्यादा, सी तो हमने लिखा है आंसर, लेकिन दोनों भी करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द रेस्पिरेशन इन ह्यूमन. सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई. न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम निमोटैक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजंस ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन. वर्कर्स इन ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफर फ्रॉम लंग फाइब्रोसिस. क्या पूछा है उन्होंने, करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, अबाउट 90% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कैरिड आउट बाय हीमोग्लोबिन एज द कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन. इसमें जो करेक्ट लग रहा है मेरे को वो है सी. देखो अभी इतने लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, क्या हमेशा होगा क्या इन्फ्लेमेशन ब्रोंकाइटिस का? नहीं. न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम द निमोटैक्सिक सेंटर इन द पॉन्स रीजंस ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन. एक्चुअली ये हाँ ये भी नहीं हो सकता. तो वर्कर्स इन द ग्राइंडिंग स्टोन, इन्हें हो सकता है फाइब्रोसिस. फाइब्रोसिस क्या हो सकता है? सिलिकोसिस, फाइब्रोसिस हो सकता है. जैसे सिलिकॉन जैसे पार्टिकल्स, या फिर माइनिंग में जो पार्टिकल्स होते हैं वो लंग्स में जाके अल्वेओलाय जो होते हैं उसके वॉल को डैमेज करते हैं. ठीक है, तब उसे हम फाइब्रोसिस बोलते हैं. ये नहीं हो सकता. तो ऑप्शन ए नहीं, बी नहीं, डी नहीं, सी हो सकता है इसका आंसर. ठीक है सर, एक डाउट है. हाँ बोलो सर. मैंने डिसीज के बारे में पढ़ा था, एक निमोनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकॉन वोल्केनोसिस. तो इस डिसीज में सिलिकॉन से क्या इफेक्ट होगा लंग्स को? मतलब सिलिकॉन थोड़ा सा भी गया तो उसका ट्रीटमेंट क्यों नहीं अवेलेबल है? नहीं नहीं नहीं, नहीं वैसे नहीं हो सकता ना. अभी देख अल्वेओलाय जो है, सपोज अल्वेओलाय, हाँ ऐसे अल्वेओलाय, इसकी वॉल जो होती है थीन होती है, हमको पता है इसकी वॉल थीन होती है. अगर सिलिकॉन के पार्टिकल्स अंदर गए तो ये सिलिकॉन के पार्टिकल्स क्या करते हैं, इस अल्वेओलाय को डैमेज कर देते हैं. अगर अल्वेओलाय डैमेज हो गया तो यहाँ पे देखो उसकी कैप, ये वॉल जो होगी ना ये डैमेज हो जाती है. डैमेज होने के बाद में क्या होगा, ये वॉल रिपेयर भी हो जाएगी बाद में. लेकिन जब ये रिपेयर होगी ना, तो पहले वो थीन थी, पहले ऐसी थी. ठीक है, पहले थीन थी, अब इसे डैमेज होने के बाद में ये जब रिपेयर होती है ना, तो ये ऐसे बड़ी बड़ी लार्ज साइज हो जाती है. इसे हम बोलते हैं फाइब्रोसिस. एक बार अगर इसकी साइज बढ़ जाए तो क्या वो गैस का एक्सचेंज कर सकेगी? नहीं, नहीं कर सकेगी. अभी ये सिलिकॉन जो है, इसके पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे नैनो पार्टिकल्स होते हैं, ये हमारे नोट से अंदर जाते हैं. ठीक है, अगर कोई पर्सन माइनिंग इंडस्ट्री, सिलिकॉन के माइनिंग माइनिंग के इंडस्ट्री में काम कर रहा है, या फिर दूसरे कोई माइनिंग इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो उसके अंदर ये पार्टिकल्स जाएंगे. डस्ट के पार्टिकल्स से भी ये फाइब्रोसिस हो सकता है, कोल के पार्टिकल से भी ये फाइब्रोसिस हो सकता है. लेकिन सिलिकॉन जैसे जो पार्टिकल्स हैं, एस्बेस्टोसिस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोस और सिलिकॉन, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं लंग्स के अल्वेओलाय. तो ये नैनो पार्टिकल्स होते हैं, तो उसे हम कैसे निकालेंगे ना, तो अंदर जाएंगे तो डैमेज करते हैं. 48 जस्ट अ मिनट. सर सेकंड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस यूजुअली टेंड टू अकर इन द प्लेन डवेलर्स व्हेन दे मूव टू द हाई अल्टीट्यूड्स? सर बी सी होना. इंक्रीज इन द रेड ब्लड सेल साइज, इंक्रीज इन द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, इंक्रीज इन ब्रीदिंग रेट, इंक्रीज इन द थ्रोम्बोसाइट अमाउंट. ए सर. आपको दिखेगा इसका प्रोडक्शन बढ़ा है और ब्रीदिंग रेट भी बढ़ा है. ठीक है, थ्रोम्बोसाइट का इससे कुछ रिलेशन नहीं है, ब्लड सेल का साइज भी बढ़ नहीं सकता है. सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन ए इज करेक्ट. इजी था, ब्लड सेल का साइज तो नहीं बढ़ेगा ना, लेकिन नंबर बढ़ेगा, नंबर वाड़े आणि ब्रीदिंग रेट पण वाड़े. ठीक है, ये दोनों दिखाई देगा. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट इन दिस केस. अभी देखेंगे और कौन से क्वेश्चन है. ये देखो अब ये इजी क्वेश्चन, दूसरा देखेंगे. ये अनरिलेटेड है. यही है 2018 वाला, ये सॉल्व करेंगे और स्टॉप करेंगे. देखो 50 बी सर. वॉल्यूम तो कम होगा ना, टाइडल वॉल्यूम.
इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 ml तक। हाँ फिर उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम केवल ये ज्यादा होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम ये। यस अभी देखो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? सी ऐसा है क्या कोई ऑप्शन? हाँ सी है सर, सी सी एक मिनट, एक स्प्रेड ऑप्शन ऑन होगा टू थ्री, एक मिनट, एक ऑप्शन होगा थ्री, टाइडल वॉल्यूम इतना होता है। बाद में इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम जो होता है, इंस्पिरेटर रिजर्व वॉल्यूम मैंने अंदर लेने वाला वॉल्यूम, ये तो ज्यादा होगा ना, अंदर लेने वाला वॉल्यूम तो इसका वन होना चाहिए। एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम जो होगा ये हम लेस रिलीज करते, तो अराउंड इसका आंसर ये होना चाहिए, ये एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम होना चाहिए। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या होगा? रेसिडुअल वॉल्यूम एक्सपिरेटर रिजर्व वॉल्यूम ये भी हो सकता है, ये वैल्यू भी हो सकती है, ये वैल्यू भी हो सकती है। सो 3 1, इसका 4 और इसका 1 होगा रेसिडुअल वॉल्यूम। 3 1 4 और ये एक ही बाकी है ना, 2, ये इसका 2 होगा रेसिडुअल वॉल्यूम का। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? बी एक तो बी नहीं तो सी। एक मिनट मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, टाइडल वॉल्यूम आई एम कंफर्म करता हूँ, टाइडल वॉल्यूम यही होगा, रेस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ज्यादा होता है, यस ये होगा रेस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यस ये होगा ये, और रेसिडुअल वॉल्यूम होगा ये, यस ये होगा आंसर। तो ऑप्शन देखो आप कौन सा दिखाई दे रहा है यहाँ पे, 3 1 4 2, ऐसा कोई है क्या? बी ये होगा, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट ये भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल स्टॉप हियर। 51 मैच द फॉलोइंग कॉलम, लंग इरिटेशन, ब्लैक लंग डिसीज, सीबीडी, ब्राउन लंग। ये भी थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स है लेकिन हम ट्राई कर सकते हैं। लंग इरिटेशन, एक्सपोजर टू द एस्बेस्टॉस, ये हो सकता है इसका। एस्बेस्टॉस को अगर एक्सपोजर हो जाएगा तो इन्फ्लेमेशन ज्यादा होगा, मैंने अभी बोला एस्बेस्टॉस होगा, सिलिकॉन होगा, इससे ब्रेक डाउन होता है किसका? वॉल का। ओके देन ब्लैक लंग डिसीज, कोल वर्कर्स सर, ज्यादातर कोल वर्कर्स में दिखाई दे सकता है, यस ब्लैक लंग डिसीज कोल वर्कर्स को दिखाई दे सकता है। अब ये ब्राउन लंग जो होगा ये होगा पुअर वेंटिलेशन, या फिर ब्राउन लंग मेटलर्जिकल ऑक्यूपेशन, जो मेटलर्जी में काम करते हैं ना, यानी माइनिंग वगैरह में जो वर्क करते हैं, इनमें दिखाई देगा, यानी इसका आंसर होगा 2। अब ये है क्रोनिक, सीबीडी का मतलब है क्रोनिक ब्रोंकियल डिसीज, क्रोनिक ब्रोंकियल डिसीज कब होगा? पुअर वेंटिलेशन टेक्सटाइल वर्कर्स, यस पुअर वेंटिलेशन जब होगा तो क्रोनिक ब्रोंकियल डिसीज होगा। क्रोनिक ब्रोंकियल यानी क्या? सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ठीक है, ये इसका आंसर होना चाहिए 4। देखो लंग इरिटेशन कब होगा? जब एस्बेस्टॉस को एक्सपोजर होगा, यानी इन्फ्लेमेशन होगा, तो ए का आंसर होना चाहिए 3। ब्लैक लंग डिसीज जो है ये कोल वर्कर में दिखाई देगा, ठीक है, या फिर जो स्मोकिंग करते हैं ना उनमें भी आपको ब्लैक लंग डिसीज दिखाई देता है, लंग का कलर थोड़ा सा जनरली लंग जो होता है ना वो पिंकिश कलर का होता है, लेकिन अगर पोल्यूशन में कोई एक कोई पर्सन ज्यादा रहता है तो कोल वर्कर्स में भी दिखाई दे सकता है, या फिर स्मोकिंग करने वाले पर्सन में भी, या फिर जो ज्यादा पोल्यूशन में दिखाई रहता है उसमें भी आपको ब्लैक लंग दिखाई दे सकता है। तो इसका आंसर ए 1 होना चाहिए। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस यानी सांस लेने में तकलीफ हो सकती है जब पुअर वेंटिलेशन हो जाए, तो ये होगा आंसर उसका। और ब्राउन लंग ये होगा ये मेटलर्जिकल ऑक्यूपेशन वाले पर्सन में होगा, ठीक है। तो ये 3 1 4 2, ऐसा कोई ऑप्शन है? ये नहीं है, ये नहीं है,
ये वाला ऑप्शन सी। चलो और कोई क्वेश्चन देखना है? कल हम आगे वाले क्वेश्चंस लेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है वो कल के लेक्चर में हम देखेंगे।